वधीक डिप्टी कमिश्नर ईशा सिंगल ने सिविल हस्पताल विखे आयुष्मान पव स्कीम दा कीता उद्घाटन। जिले अंदर आयुष्मान पव मुहिम नू जिला हस्पताल तो वधीक डिप्टी कमिश्नर जनरल ईशा सिंगल वल्लों लांच कीता गया। इस मौके ते जारी दिंदिया वधीक डिप्टी कमिश्नर जनरल ईशा सिंगल ने दस्या कि भारत दे मानयोग राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू कीती जा रही इस मुहिम ते 17 सितंबर तो 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े दौरान स्वच्छता अभियान, अंगदान करण प्रति अहित खूनदान कैंप, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना संबंधी गतिविधियां कीतियां जाणगियां। उना कहा कि इस मुहिम ते आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला अते आयुष्मान सभा गतिविधियां भी करवाईयां जाणगियां। उना कहा इस फगवाड़े दा मुख मंतव 5 साल तो वध उम्र वाले हर बच्चे दी अबाई दी जनरेट करना, 30 साल तो वध उम्र दे हर व्यक्ति दा ब्लड प्रेशर, शुगर अते होर लैबोरेटरी टेस्ट कीते जाणगे। टीबी दे मरीजां दी स्क्रीनिंग आदि कीती जावेगी अते बीमारियां दा मुफ्त इलाज कीता जावेगा। श्रीमती ईशा सिंगल ने दस्या कि इस मुहिम ते चेहड़े पिंड दे हरेक लाभपात्री नू आयुष्मान भारत कार्ड दा लाभ मिलिया होवेगा। पिंड विच कोई टी बी रोगी नहीं होवेगा अते पिंड दे हरेक व्यक्ति दा कोविड टीकाकरण होया होवेगा, उस पिंड नू आयुष्मान पिंड एलान्या जावेगा। उना होर दस्या कि मुहिम ते लोकां नाल मीटिंगां कीतियां जाणगियां अते आम आदमी क्लीनिकां विच आयुष्मान मेले लगाए जाणगे। उना इस मौके टी बी दे मरीजां दी देखभाल करन वालियां शख्सियतां नू प्रशंसा पत्र भी वंडे अते टी बी दे मरीजां नू राशन भी वंडिया। उना इस मौके अंगदान करन दा प्रण भी दिवाया। इस मौके सिविल सर्जन डॉक्टर दविंदरजीत कौर ने दस्या कि इस पखवाड़े दौरान सेहत ते तंदरुस्ती केंद्रां अते कम्युनिटी सेहत केंद्रां उपर सेहत मेलियां दा आयोजन कीता जावेगा। इन्हां मेलियां विच आउण वाले लोकां नूं हस्पतालां वालियां सारियां सेहत सहूलतां मुफ्त प्रदान कीतियां जाणगियां। उन्हां इह वी दस्या कि इन्हां मेलियां विच आबाई दी जनरेट कीतियां जाणगियां ते आम लोकां नूं सेहत विभाग वल्लों सेहत योजनावां संबंधी जानकारी दित्ती जावेगी। उन्हां दस्या कि इस देश व्यापी मुहिम दी वधेरे जानकारी 18,114,77 टोल फ्री नंबर ते लई जा सकदी है। उना कहा कि सरकार दी एक कोशिश है कि देश अंदर सारे गरीब ते मध्यवर्गी लोकां दी सेहत दी जांच होवे। जांच दौरान किसे बीमारी दा पता लगण ते उस दा इलाज मुफ्त करना यकीनी बनाया जावे। इस मौके डिप्टी मेडिकल कमिशन डॉक्टर सरिता, जिला टीकाकरण अफसर डॉक्टर राजेश कुमार, जिला परिवार भलाई अफसर डॉक्टर दलजीत कौर, जिला सेहत अफसर डॉक्टर नवजोत कौर, सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर बलकार सिंह, जिला टीबी अफसर डॉक्टर हरप्रीत कौर, डीपीएम कसीतीज सीमा, जिला समूह सिख्या ते सूचना अफसर बलजिंदर सिंह, गुरदीप सिंह, जसविंदर कौर, अमरजीत सिंह तो इलावा होर अधिकारी अते कर्मचारी हाजिर सन। अज का जिहड़ा प्रोग्राम है वह आयुष्मान भवा नूं लै के असीं इत्थे सारे इकट्ठे होए हाँ। यह प्रोग्राम जिहड़ा हैगा साडे मानयोग प्रेजिडेंट वल्लों अज इनॉगरेट किया गया है। तो इस प्रोग्राम दे विच असीं 17 सितंबर तो यह किक स्टार्ट होगा। तो ये असीं 3 जिहड़े आस्पैक्ट्स ने, आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला अते आयुष्मान सभा, उस 3 आस्पैक्ट्स जिहड़े हैगे ने इहदे विच कवर होणगे। अज जिहड़ा साडा आयुष्मान भवा प्रोग्राम ये सारे इंडिया के लॉन्च होया, तो साढ़े माननीय प्रेजिडेंट साहब वालों ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिदे असी जोड़ा है ये जो मेन हैगा मैडम साढ़े माननीय एडीसी मैडम ने दसिया है, जिमें असी एक तो लोगों जी फैसिलिटी दे रहे हैं वह भी फैसिलिटी हम असी जोड़ा है असी एक पंद्रवाड़े के बदल रहे, जिद कि असी लोगों के घर जाके उन्होंने सुविधा जी है देवे, जिदे असी जिस तरह आयुष्मान कार्ड्स है आयुष्मान भवा के आयुष्मान कार्ड्स कर जाके असी जिहड़े साडे बेनीफिशरी आयुष्मान कार्ड नहीं बना सके किसी रीजन करके उन्होंने असी आयुष्मान कार्ड्स बनावे, और जिहड़ी साडियां टीमां हैगियां जिवें साडे हेल्थ वेलनेस सेंटर है CHO सारे साडी जिहड़ी बीमारियां की स्क्रीनिंग करनगे, जिदे विच डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, तो असी TB वाले मरीजों की भी स्क्रीनिंग करांगे, जिदे विच स्पेशल जिहड़े BHMR जिहड़े स्पेशल साडे पेशेंट होंगे उन्होंने बुला के उन्होंने स्क्रीनिंग की जाएगी TB के मरीजों, जिवें अज भी असी
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।